हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ स्टडी थ्री वाई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी को जानकारी देंगे आधार कार्ड से बैंक बैलेंस चेक करने के लिए। दोस्तों, अगर आप आधार कार्ड से बैंक बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो आपको आईडी पासवर्ड जो है आपको फ्री मिलेगा। दोस्तों, आईडी पासवर्ड फ्री में लेकर बिना अंगूठा लगाए आप बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं मोबाइल से सिर्फ 2 मिनट के अंदर। आपको कैसे चेक करना है मैं इस वीडियो में आप सभी को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। सिर्फ आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा और वीडियो आपको पसंद आएगा तभी आप वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। चलिए, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, आधार कार्ड से बैंक बैलेंस चेक करने के लिए एक वेबसाइट को ओपन करना होगा जिसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड को डालकर लॉगिन करना है। तो यूजर नेम में दोस्तों डालना है, उसके बाद पासवर्ड यहाँ पर डालना है। तो पासवर्ड क्या है दोस्तों और इसका यूजर नेम यहाँ सामने आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन पासवर्ड क्या है और वेबसाइट का जो लिंक है आपको टोटल जानकारी वीडियो के अंत में आप सभी को मिल जाएगा। सिर्फ आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा और यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन पर क्लिक करना है। जब आप लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों इस तरह का पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपको नीचे तरफ आना है। आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा बैलेंस का, देखिए यहाँ पर बैलेंस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं बैलेंस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है। मैं आधार नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डालना है। मोबाइल नंबर कोई भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ सिलेक्ट बैंक का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब किस बैंक का बैलेंस आप चेक करना चाहते हैं तो उस बैंक का नाम यहाँ से सर्च कर लीजिएगा जो भी आपका बैंक होगा। और उस बैंक का नाम सर्च करने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपको अपना नाम डाल देना है। ठीक है, नाम डालने के बाद यहाँ सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पर आपको क्लिक कर देना होगा। चलिए, मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके अकाउंट में जितना टोटल बैलेंस होगा ये शो कर देगा। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस अमाउंट यहाँ देख सकते हैं कितना है टोटल, 851 रुपया है। अब दोस्तों इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए या इस वेबसाइट का यूजर नेम पासवर्ड लेने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल में आपको सर्च बार में टाइप कर लेना है भारत जॉब अपडेट। ठीक है, इतना आपको सर्च करना है, भारत जॉब अपडेट और सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट में लिंक मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर भारत जॉब अपडेट का, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों इस तरह का पेज आ जाएगा। उसके बाद सीधा नीचे जाना है, नीचे आ जाना है। जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए इस तरह का पेज मिल जाएगा यहाँ पर। और यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा है पॉपुलर पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आधार कार्ड से बैंक बैलेंस चेक करने के लिए, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको नीचे तरफ आ जाना है, ये पोस्ट खुलकर ओपन हो जाएगा। और इसमें बताया गया है भी है कि कैसे कैसे आईडी पासवर्ड अगर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, या डायरेक्ट आईडी पासवर्ड यूजर नेम लेना चाहते हैं तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर लास्ट में मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक। उसके बाद यहाँ पर यूजर नेम आईडी पासवर्ड यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और इतना डालकर लॉगिन करना है। उसके बाद अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए, मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।